रोज़ रोज़ अगर आलू की सब्ज़ी खाकर बोर हो गए हैं तो आप बनाएं ये हरी मिर्च की सब्ज़ी। जी हाँ, हरी मिर्च की सब्ज़ी जो आपकी भूख को दुगना बढ़ा देगी। तो यहाँ पे मैंने ली हुई है ये मोटी वाली मिर्च, तो हम बनाना शुरू करते हैं। वेलकम है आपका समद किचन। और ये है मोटी वाली मिर्च, जिसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता है, ज़्यादा कड़वी नहीं होती ये। तो इसको ऐसे थोड़े से तिरछे वाले शेप में मैंने काटा है, ऐसे स्लाइसेस कर लें इसके। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का जैसा चाहें वैसे कट कर सकते हैं, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया। बहुत आसान सी सब्ज़ी, झटपट बन जाएगी ये। और इस तरह से सारे मिर्च कट कर लेंगे। तो ये मैंने पाव भर मिर्चें लिए हुए हैं, 250 ग्राम मिर्च है ये। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज। तो अब इन प्याज को भी हम इस तरह से काटेंगे, थोड़े स्लाइसेस में, थोड़े मोटे, बहुत बारीक नहीं काटना इसको भी। तो इस तरह से इनके स्लाइस कर लिए। तो दोनों प्याज यहाँ पे कट चुकी हैं। और अब लेना है हमें कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने लिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच डाल दिया। और उसमें डाली मैंने ये 1 चुटकी हींग, यानी कि 1/4 चम्मच हींग। और हींग के थोड़ा सा खुशबू आते ही इसमें डाल दिए प्याज। और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं तलना है, प्याज को सिर्फ गुलाबी होने तक तलना है। बहुत है, ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, बस उतना ही। और ये बीच से इसको तोड़ दें तो प्याज हमारी तल जाएगी। तो यहाँ पे प्याज हो गई है। बहुत ही आसान से सिंपल सी सब्ज़ी है ये, बहुत जल्दी बन जाती है, झटपट। अब ये मैंने मिर्च डाल दिए, मिर्च के साथ हम चला देंगे इसको। और करीब 1 मिनट तक इसको ऐसी धीमी आंच पर सौटे करेंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच या ज़रूरत के हिसाब से नमक। और यहाँ पे मैंने डाला है अमचूर पाउडर, यानी कि खटाई पाउडर। तो अगर खटाई पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से, अपने जितना खट्टा रखना है आप उस हिसाब से नींबू डाल लें। और अब ये सारे इनको भी हम अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि ये हल्दी की महक और निकल जाए। और तो इसको आँच को धीमा ही रखना है, क्योंकि हम इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालना है हमको। तो बस इसको ऐसे ही चलाना है थोड़ी देर। और इससे क्या होता है, सब्ज़ियों की कच्चेपन की भी स्मेल निकल जाती है। और अब इसको भून लिया है मैंने अच्छी तरह से। और अब इसको ढाँक के धीमी आंच पे रखना है 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये जो है तो थोड़े से हमारे मिर्च गल जाएं। और यहाँ पे 6-7 मिनट हो गए और आप देख रहे हैं इन्होंने थोड़ा सा पानी छोड़ा है। तो अब मीडियम आंच करके इसको हम भून लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पानी है। और बस पानी भी सूख गया है और ये हमारी झटपट सी मिर्च की सब्ज़ी तैयार है। पराठे, पूरी, रोटी के साथ आप खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और ये थी हमारी एक बहुत ही सिंपल सी यमी सी सब्ज़ी। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो समद किचन को सब्सक्राइब करते हुए आपको एक बेल का निशान दिखाई देगा, बेल का सिंबल। तो उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा होगा ऑल नोटिफिकेशन को आपको प्रेस करना है, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगा और आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से उस बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, नहीं तो आपसे वीडियो मिस हो जाएंगे। और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मेरा पेज है इसी नाम से, समद किचन के नाम से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।